All stations, stand by for the time mark. T minus 30 minutes and counting. T शाम minus 1 को minute. अलग कर, रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा। All stop sound. Minus 55 seconds. L40 VHPP opened. Minus 50 seconds. Gas bottle ready. Minus 45 seconds. All sequencers armed. Hydrogen tank ready. Cryo stage ready. Minus 40 seconds. GS2 VHPP opened. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. L40 VSPP opened. Real time program second. Minus 25 seconds. GS2 VSPP opened. GS1 ignition. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages 0. Are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. A perfect lift off. GSLV F-14 plus inside 3DS progressing towards its destination. Stage performance normal. P4 tracking. जी हाँ, अभी हमने देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। Clear sky. We can see the rocket very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं। सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है। यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। प्लस 1 मिनट। प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रपॉन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए। प्रेजेंटली द कोर बूस्टर एंड द 4 L40 स्ट्रपॉन्स थ्रस्टिंग साइमल्टेनियसली। S-139 scheduled to burn 410 seconds. S-139 stage burn out. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर S-139 प्रज्वलित है। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। कोर बूस्टर अब बर्न आउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40s अभी भी जारी हैं। इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The 4 L40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. First stage separated, second stage ignited. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की। प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। देयर आर अ क्विक सक्सेशन ऑफ सेवरल फ्लाइट इवेंट कंफर्मेशंस बाय द रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर। Plus 3 minutes. First stage comprising of the S-139 and L-40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण GSLV F-14 का प्रज्वलनरत है। Second stage performance normal. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बल पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब
यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है, यह घने वातावरण को पार कर चुका है। फोर मिनट्स Dense atmosphere has been crossed by the launch vehicle and hence the payload fairing has been separated. Presently, Shah ground station continues to track and Port Blair station has started to acquire the data. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक करते हुए The planned burn time of GS2 is 141.4 seconds. क्रायो अपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है GSLVF-14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए। द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथक्करण होगा। स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ। जी इग्निशन कमांडेड। द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है। स्टेज इग्निशन कंफर्म। Now a jubilant atmosphere here in the mission control center as the confirmation of the CUS engine startup has been obtained. जी हाँ, सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन, जिसकी पुष्टि हो चुकी है वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकेंड। बर्न टाइम फॉर क्रायोजेनिक अपर स्टेज इज 814 सेकेंड्स। सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल। स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। प्रेजेंट रिलेटिव वेलोसिटी इज क्लोज टू 5 किलोमीटर पर आवर द क्रायो स्टेज। आई एम सॉरी, द रिलेटिव वेलोसिटी प्रेजेंटली इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड। सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। इनसेट 3DS पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण का प्रेक्षण करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा तैयार करना, डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना, उपग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना, यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसेट 3DS यात्रारत है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। प्लस 8 मिनट्स। द सैटेलाइट इनसेट 3DS इज फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, वेरियस ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स सच एज इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD, National Center for Medium Range Weather Forecasting NCMRWF, Indian Institute of Tropical Metrology IITM, National Institute of Ocean Technology NIOT, and Indian National Center for Ocean Information Services INCOIS, and various other agencies and institutes will be using INSAT 3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services.
इनसेट 3DS उपग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है। क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस इस उपग्रह का अक्ष नियंत्रण शून्य संवेग अग्निति तंत्र पर निर्धारित है, जो 4 रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा। इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एम्पियर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है, जो लगभग 1.6 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है। इनसेट 3DS के निर्भार में 6 चैनल इमेजर है, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उपग्रह सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं। इन सभी निर्भारों के द्वारा इनसेट 3DS मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। +10 मिनट मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और ऐसे कई प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों के साथ इसे साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा। इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है। अब यान की ऊंचाई 136 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वी आर क्लोज टू 11 मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम। पोर्ट ब्लेयर स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग and Brunei station will shortly start to acquire the data. INSAT 3DS satellite carries a multispectral imager or optical radiometer capable of generating images of Earth and its environment in 6 wavelength bands. Atmospheric motion vectors are derived by tracking clouds or water vapor pattern in successive satellite images. AMV includes information on wind speed and direction. The 19-channel sounder payload will provide the information on the vertical profiles of the atmosphere, sea and land surface temperature, cloud properties, and microphysical parameters, upper tropospheric humidity, humidity profiles, +12 minutes, and total ozone, etc., to study about atmosphere, land, and ocean. Data Relay Transponder receives global meteorological, hydrological and oceanographic data from automatic data collection platforms or automatic weather stations from multiple users and relays back to user terminal. The data products that generated cater to varied range of applications. The history of automatic weather stations in India can be traced back to 1980 when IMD conducted a pilot experiment with ISRO to operate small network of data collection platforms via satellite for Earth observation to the receiving station at Sriharikota. Cryo stage performance in 1997, the AWS network was upgraded. IMD has a network of many AWS, Agro AWS and ARC. इस उपग्रह में मुख्य नितभार के रूप में है इमेजर पेलोड। इनसेट 3DS उपग्रह का यह नितभार एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है, जो पृथ्वी और उसके पर्यावरण की 6 तरंग वेवलेंथ में प्रतिबिंब लेने में सक्षम होगा। इस उपग्रह में 19 ट्रांसपॉन्डर पेलोड भी हैं। साउंडर पृथ्वी के वायुमंडल की लंबवत रूपरेखा तैयार करेगा और इसमें सम्मिलित हैं तापमान, आर्द्रता आदि सम्मिलित हैं। इसमें डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं, जो स्वचालित डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म में वैश्विक स्तर पर मौसम, जल तथा समुद्र विज्ञान के आंकड़ों को इकट्ठा कर
एक जगह से दूसरी जगह रिले करने में सक्षम होंगे। इस उपग्रह में खोज और बचाव कार्य के लिए ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं। इसमें बीकन ट्रांसमीटर हैं जो आपदा संदेशों को रिले करता है और चेतावनी संदेशों के लिए भी संवेदनशील है। UHF बैंड में वैश्विक कवरेज के साथ यह आपदा प्रबंधन में एक बहुमूल्य सहायक होगा। क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। We are 14 minutes, 30, close to 30 seconds past the launch time. Cryo stage presently operational and developing nominal thrust. Brunei station continues to track. Your mission Purvi Disha ka mission hai, isliye ground station Shar 1, Shar 2 tatha पोर्ट ब्लेयर ब्रूने बैग स्थित ग्राउंड स्टेशंस हमें इसके आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। इनसैट 3DS सैटेलाइट इज कॉन्फिगर्ड अराउंड इसरोस वेल प्रूवन I2K बस प्लेटफॉर्म। सैटेलाइट बस इज द मेन बॉडी एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सैटेलाइट इन विच द पेलोड एंड ऑल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर हेल्ड। A bus typically consists of the following subsystems: command and data handling system, communication system and antennas, electrical power system, propulsion thermal control, attitude control system, navigation guidance and control, structures and trusses. Inside 3DS weighs 2,274 kilograms, hence the selection I2K bus. क्रायोपर स्टेज तृतीय चरण और अंतिम चरण है GSLV F-14 का। वर्तमान में यान की ऊंचाई 153 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 8.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सभी तंत्र क्रायो इंजन के सामान्य निष्पादन करते हुए इस दौरान यह 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में ले जाता है। इसमें अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए दो वर्नियर जेट्स लगे होते हैं। यान पूर्णतः टेक्स्ट बुक लॉन्च प्रदर्शित करता हुआ, जैसा अनुमानित था, अनुमानित पथ के ऊपर में ही जाता हुआ GSLV F-14 प्लस 17 मिनट्स। यह भी दर्शाता है कि हमारी गणना और सभी कार्य सुनिश्चित सुनियोजित तरीके से पूरी हुई हैं और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट लॉन्च इज टू प्लेस द वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनसैट 3DS इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट whose perigee is 170 kilometers and apogee is 37,682 kilometers. Cryo stage performance normal. The relative velocity acquired presently is 9.28 kilometers per second. अब कुछ ही सेकेंड्स में हम देखेंगे तृतीय चरण के कार्यकाल को समाप्त कर इसे बंद कर दिया जाएगा और अंतक्षेपण उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को तृतीय चरण से पृथक कर उसके उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। टेलीमेट्री द्वारा डेटा में थ्रस्ट कट ऑफ, सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड। क्रायो चरण को बंद कर दिया गया है, सुनियोजित ढंग से यह किया जा रहा है, यह पूर्व निर्धारित है। इनसैट 3DS सैटेलाइट सेपरेटेड,
GSLV F-14 INSAT 3DS mission accomplished. Handing over to mission director. जी हाँ, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। यहाँ INSAT 3DS उपग्रह को अंतक्षेपित कर दिया गया है।